नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल MS Advisor में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 510 के सैंपल क्वेश्चंस पेपर का पार्ट नंबर 3 करेंगे। अगर आपने इसके पहले दो पार्ट को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि वहां पे जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पिछले कोर्स को, जहां की मैंने डीलेट कोर्स 508, 509 और 510 में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को भी कराया है, अगर आपने उनसे वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट मिनट में मिल जाएगा, जहां की आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक NIO से डिलीट कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिलीट कोर्स 510 के सैंपल क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर देखें सबसे ऊपर लिखा गया है पाठ्यक्रम 510 उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का अधिगम। और जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन के लिए जो है टोटल 3 घंटे का टाइम रहता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 70 मार्क्स रहते हैं। तो सबसे पहले अगर इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चंस आपका 3 पार्ट में रहता है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में इसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो सारे रहते हैं। तो इसमें अगर देखें तो टोटल जो है 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 2-2 मार्क्स इसमें दे जाएंगे। यानी कि पार्ट फर्स्ट में अगर देखें तो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। और पार्ट सेकेंड में जो है इसमें टोटल 10 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपको 6 प्रश्न के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 5-5 मार्क्स इसमें दे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। यानी कि अगर पार्ट बी में देखें तो टोटल जो है 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। और पार्ट थर्ड में इसमें जो है टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। यानी कि पार्ट थर्ड में अगर देखें तो टोटल 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस का पैटर्न था। तो चलिए यहाँ पे पार्ट फर्स्ट में जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है किस विद्वान ने रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित की। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पतंजलि, ऑप्शन बी दिया गया है ब्रह्मागुप्त, ऑप्शन सी दिया गया है नागार्जुन, ऑप्शन डी दिया गया है भास्कराचार्य। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि किसके क्या यहाँ पे सही आंसर है। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन खोज मेल ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। इसमें पहला देखिए यहाँ पे दिया गया है रॉबर्ट बायल, जिसने कि गैस के व्यवहार की खोज की। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है एंटी बॉन लिबेनहॉक, जिसमें कि सूक्ष्म जीवों की खोज की। ऑप्शन सी दिया गया है रॉबर्ट हुक, जिसने कि सूक्ष्मदर्शी बनाया। और चौथा ऑप्शन दिया गया है हैन कवेंडिस, जिसने कि गति के नियम की खोज की। तो इसमें से कौन सा मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं 1974 में होमी जहांगीर भाभा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया गया है मुंबई, ऑप्शन सी दिया गया है चेन्नई, ऑप्शन डी दिया गया है बेंगलोर। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं जांच प्रक्रिया में कौन से चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है स्वतंत्र चर, ऑप्शन बी दिया गया है नियंत्रित चर, ऑप्शन सी दिया गया है निर्भर चर, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं जांच उपागम डैश केंद्रित विधि है, तो इस खाली स्थान में क्या भराएगा वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षार्थी, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षक शिक्षार्थी, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं निम्नलिखित कथन किसका है। नीचे कथन दिए गए हैं तभी पढ़ाओ जब घेरा जाए, नहीं तो लोगों को स्वयं सीखने दो। तो ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है विलियम एवर्ड, ऑप्शन बी दिया गया है गैलीलियो, ऑप्शन सी दिया गया है किथ गिग, ऑप्शन डी दिया गया है आइंस्टाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं निम्नलिखित उदाहरण किससे संबंधित है। नीचे उदाहरण दिए गए हैं पुस्तकों पत्रिकाओं शोध पत्र आदि को पढ़कर या उन पर चर्चा करके। फिर दूसरा उदाहरण दिए गए हैं मौखिक चर्चाओं भाषणों आदि को सुनकर। तीसरा उदाहरण दिए गए हैं चित्र नक्शे मॉडल आदि का अवलोकन करके। इसके लिए फिर ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है कि ये उदाहरण जो है प्रत्यक्ष अनुभवों का है, ऑप्शन बी दिया गया है और प्रत्यक्ष अनुभवों का, ऑप्शन सी दिया गया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भी उदाहरण दिए गए हैं ये उदाहरण किसका है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं किसी भी चीज़ को जानने व समझने की कौन सी विधि मूल मानी जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए दिया गया है 5W1H विधि, ऑप्शन बी दिया गया है 4W1H विधि, ऑप्शन सी दिया गया है 6W1H विधि, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं
क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आकलन कैसे करें, इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शैक्षिक विश्लेषण, ऑप्शन बी दिया गया है आत्मा विश्लेषण, ऑप्शन सी दिया गया है शिक्षक विश्लेषण, ऑप्शन डी दिया गया है शिक्षार्थी विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए हैं, किस परीक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों द्वारा किसी विशेष पठन सामग्री के अधिगम में आई हुई समस्त का पता लगाना है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है उपचारात्मक, ऑप्शन बी दिया गया है निदानात्मक, ऑप्शन सी दिया गया है बोधात्मक, ऑप्शन डी दिया गया है भावनात्मक। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे, इसमें आपको जिसका भी जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स करें, फिर आपको इस वीडियो के लास्ट में इसके क्या सही आंसर होंगे वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप वहाँ पे मिलान कर लें कि आपने टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फिर अगर यहाँ पे पार्ट बी की बात करें यानी कि सेकेंड पार्ट की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे लिखा गया है इस भाग में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी कि पार्ट सेकंड में टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चंस के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 5-5 मार्क्स यहाँ पे दे जाएंगे। यानी कि अगर पार्ट बी में बात करें यानी कि सेकेंड पार्ट में बात करें तो टोटल जो है यहाँ पे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि विज्ञान एक मानव उद्यम है, तो इसके बारे में आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिए गए हैं, विज्ञान शिक्षण में मापन वो गणना के महत्व का उल्लेख करें। फिर 13 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्णात्मक उपागम या प्रसारण उपागम का संक्षिप्त वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए हैं, जांच प्रक्रियाएं क्या होती है, पाठ्यक्रम में जांच प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं, विज्ञान में पाठ योजना कैसे बनाएंगे, योजना बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसके बारे में आपको कम से कम 250 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए हैं, सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए उपकरण की चर्चा करें और इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए हैं, दैनिक जीवन के अनुभव के संग विज्ञान शिक्षण को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिए गए हैं, उदाहरण सहित विज्ञान के उद्देश्य वो विशिष्टीकरण की चर्चा करें। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए हैं, हाथों से करके देखने वाले अनुभवों को चुनने का मापदंड क्या होना चाहिए, इसके लिए किस प्रकार के शिक्षण तरीकों को अपनाया जाना चाहिए, तो इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए हैं, विज्ञान पाठ योजना के संदर्भ में 3 अवस्थाओं की चर्चा करें। तो यही दोस्तों पार्ट सेकेंड के 10 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से आपको 6 क्वेश्चन के सही आंसर लिखने हैं। और फिर अगर यहाँ पे पार्ट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा गया है इस भाग में 4 निबंधात्मक प्रश्न हैं, इनमें से कोई 2 प्रश्न प्रत्येक के उत्तर 600 शब्दों में लिखें, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। यानी कि इनमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कि आपको 2 क्वेश्चन के सही आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 10-10 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, चरों के 3 श्रेणियों की चर्चा करें, प्रमाण एकत्रित करने में चरों की भूमिका पर टिप्पणी करें, तो ये आपको कम से कम 600 शब्दों में लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए हैं, शिक्षण की विधि को परिभाषित करें, उदाहरण सहित चर्चा करें कि अधिगम में शिक्षण विधि की क्या भूमिका होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए हैं, छात्रों के लिए प्रगति का क्या महत्व है, विज्ञान के विद्यार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन क्यों वो कैसे होता है, इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिए गए हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया वो ITC के महत्व पर टिप्पणी करें। तो यही दोस्तों टोटल 24 क्वेश्चंस थे और कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी शॉर्ट या फिर लॉन्ग अच्छा टाइप क्वेश्चंस दिए गए थे, इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे तरीके से कर लें। तो चलिए ऊपर हम लोगों ने जो भी यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन देखा था उनके क्या सही आंसर होंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया था, किस विद्वान ने रसायन प्रयोगशालाएं स्थापित की, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि नागार्जुन। फिर दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन खोज मेल ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि हैन कैवेंडिश ने गति के नियम की खोज की थी, ये यहाँ पे गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 1974 में होमी जहांगीर भाभा विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए हैं, जाँच प्रक्रिया में कौन सा चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए हैं, जांच उपागम डैश केंद्रित विधि है, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि शिक्षार्थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए थे, निम्नलिखित कथन किसका है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, तभी पढ़ाओ जब घेरा जाए शिक्षार्थियों द्वारा, नहीं तो लोगों को स्वयं सीखने दो, तो ये कथन किनका है वो आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि किथ किक का। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं, निम्नलिखित उदाहरण किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि अप्रत्यक्ष अनुभवों से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए हैं, किसी भी चीज को जानने व समझने की कौन सी विधि मूल मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 5W1H विधि। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए हैं, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आंकलन कैसे करें, इन सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि शैक्षिक विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए थे, किस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों द्वारा किसी विशेष पठन सामग्री के अधिगम में आई हुई समस्या का पता लगाना है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि निदानात्मक। यही दोस्तों टोटल 10 एमसीक्यू का क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डिलीट कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। और आगे इसी तरह के वीडियो साथ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा उसे आप जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपने पिछले कोर्स को नहीं देखा है, जहां कि मैंने आपको डीलेट कोर्स 508 509 के जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते थे उन सारे क्वेश्चन को कराया है, और डीलेट कोर्स 508 और 509 में 3-3 सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कराए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। तो आपको डीलेट कोर्स 508 509 और 510 के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।